हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन में। आज हम आपको बताएंगे ऑटोमेटिक टेबल यानी कि पहाड़े ऑटोमेटिक कैसे लिख सकते हैं। एक ही मिनट में हम लिख सकते हैं सैकड़ों पहाड़े और गिनतियाँ। देखो, इसमें हम बताएंगे कैसे आपको लिखेंगे। यहाँ से मान लो एक्सेल में, मैंने यहाँ से एक्सेल में कोई सीट ओपन किया है, यहाँ से मैंने इसको बैक किया और यहाँ से मैंने इसको न्यू सीट क्रिएट की, ब्लैंक सीट को क्रिएट किया। इसमें मुझे लिखना है एक साथ ऑटोमेटिक टेबल कैसे लिखते हैं। देखो दोस्तों, पहला कॉलम आ रहा है, इसमें पहले सेल में मैंने वन टाइप किया और दूसरे सेल में मैंने टू टाइप किया। उसी के बराबर में मैंने टू टाइप किया और नीचे फोर टाइप किया। इनको क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और इस पॉइंट से मतलब चारों को हमने क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। पॉइंट पे से चारों सिलेक्ट हो चुके हैं, हमें ये फिल का ऑप्शन आ रहा है, फिल पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, हमको इस पॉइंट पे से चार नंबर वाला कोने पे पॉइंट आ रहा है, इस पे से क्लिक के साथ पकड़ के नंबर 10 तक इसको छोड़ देंगे। ये इतना लिखने के बाद क्या करना है, फिर के हमें दोबारे से फिल पे क्लिक करना है और यहीं से इसी को ऑटोमेटिक पकड़ के इधर को ड्रैग कर देना है। जहाँ तक भी हमको टेबल लिखना है इसको खींचते रहना है, जहाँ पर पहाड़े स्टॉप करने हैं आपको वहाँ पर स्टॉप कर देना है। ये नीचे गिनती आ रही है, ये पहाड़े के लास्ट की गिनती है, कितने तक आपको पहाड़े लिखने हैं उसको यहाँ छोड़ देना है। मान लो मैं इसको यहीं स्टॉप कर देता हूँ तो ये देखो 60 तक ऑटोमेटिक पहाड़े लिख चुके हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है ये फिल कलर करने के लिए, यहाँ से इनमें कलर कर सकते हो, जौन सा भी आपकी चॉइस हो, यहाँ से कलर कर दिया। उसके बाद इसी पॉइंट पे क्लिक किया, मैंने इसको यहाँ से बोल्ड कर दिया, यहाँ से क्लिक करके इसको बॉर्डर पे गया और यहाँ से ऑल बॉर्डर इसको कर देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से मैंने नीचे किया, फॉन्ट का कलर चेंज करना है मुझे इसका, तो फॉन्ट कलर पे क्लिक किया और यहाँ से इसको वाइट कलर में चेंज कर दिया। उसके बाद इसका अलाइनमेंट मैं बीचों बीच लिखना चाहता हूँ तो इसको बीचों बीच में सेट कर दिया। ये है दोस्तों बहुत ही आसान तरीका लिखने का ऑटोमेटिक टेबल। कोई भी पहाड़ा इसमें गलत नहीं होगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, आप इसमें पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। उसके बाद इसी तरीके से लिखते हैं हम काउंटिंग यानी कि गिनती ऑटोमेटिक कैसे लिखे। यहाँ मैंने वन लिखा, यहाँ मैंने टू लिखा, इसी बराबर में दूसरी लाइन में होता है 11 और 12। इनको भी इसी तरीके से मैंने यहाँ से क्लिक करके इनको चारों को सिलेक्ट किया और यहाँ से फिल पे क्लिक करने के बाद इनको भी नीचे 10 तक नंबर आते 20 और इसको कर दो यहाँ से 10 तक खींच देना गिन के, ज़्यादा नहीं करना है। ये रहा, मैंने यहाँ 10 नंबर तक इनको खींच दिया है। अब इनको यहीं से क्लिक करके फिल का ऑप्शन आ जाएगा, फिल पे से दोबारा इसको भी इधर को ड्रैग कर देना है। इससे क्या होगा, आपको जितनी भी गिनती लिखनी होगी ऑटोमेटिक गिनती ये लिख जाएंगी। मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया, ये 281 तक गिनती लिख चुकी है। इनमें भी मैं कलर करना चाहता हूँ, यहीं से कलर पे क्लिक किया, यहाँ से कोई सा भी कलर इनमें कर सकते हो। इसी तरीक़ा से इसको मैंने सेंटर करके बोल्ड कर दिया यहाँ से और यहाँ से ऑल बॉर्डर इसको मैं कर देता हूँ। बहुत ही आसान है दोस्तों एक्सेल चलाना और इसमें एक्सेल में सीट क्रिएट करना। कोई भी टेबल, कोई भी पहाड़ा, कोई मिस्टेक नहीं होगा, ऑटोमेटिक ये अपने आप कैलकुलेट कर जाता है। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और इससे अगली वीडियो भी हम एक्सेल के बारे में कुछ फॉर्मूले से रिलेटेड आपको वीडियो बनाते दिखाएंगे।